गाइज, आपने देखा होगा कि आज बहुत सारी संस्थाएं वृक्षारोपण के लिए आगे आ रही हैं, जो कि पेड़ पौधे लगाती हैं। लेकिन हजारों सालों से प्रकृति ने आखिर किस काम के लिए किसको अपॉइंट कर रखा है जो कि वृक्षारोपण का काम करता रहे? तो गाइज, इस काम को करने के लिए प्रकृति ने बहुत पहले से गिलहरियों को चुना है। दरअसल गिलहरियाँ नट्स खाती हैं और उन नट्स को आगे के लिए सुरक्षित रखने के लिए वो उसको ज़मीन में गाड़ देती हैं। लेकिन बेचारी गिलहरियाँ गाड़ने के बाद खुद भूल जाती हैं कि उस नट को आखिर ज़मीन में गाड़ा कहाँ था, और कुछ समय बाद वो नट पौधे बनकर निकल आते हैं। तो इस तरह गिलहरियों के गाड़े हुए इन बीजों से करोड़ों पेड़ और हजारों जंगल अब तक उग चुके हैं। तो गाइज, आपको कैसी लगी गिलहरियों की ये मेहनत? गाइज, अपने देश में टीचर्स को छोड़कर उनकी सैलरी सबको ज़्यादा लगती है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के टीचर्स की सैलरी जानकर आप शायद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में एक प्राइमरी के टीचर की औसतन सैलरी $5,000 प्रतिमाह होती है, जिसको कि अगर भारतीय रुपयों में काउंट किया जाए तो 3,73,000 रुपये प्रतिमाह हो गई। और वहीं पर अगर स्विट्ज़रलैंड के जूनियर विद्यालय के टीचर्स की सैलरी की बात की जाए तो उनको प्रतिमाह औसतन $7,300 तक सैलरी मिलती है। मतलब कि अगर भारतीय रुपयों में काउंट की जाए तो प्रतिमाह 5,44,000 रुपये सैलरी वहाँ के जूनियर टीचर को मिलती है। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ सरकारी टीचर्स को सैलरी ज़्यादा मिलती है या कम मिलती है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाइज, ये फैक्ट मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साइकोलॉजिस्ट ने इस फैक्ट को खोजने के लिए बड़ी ही मेहनत की है। गाइज, अगर हम हल्की रोशनी वाले कमरे में शीशे में लगातार अपने आप को 15 मिनट तक देखते रहें तो हम 10 मिनट में ही अपने चेहरे को देखकर बोर हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा दिमाग हमारे चेहरे को ऐसा दिखाने लगेगा कि मान लो कि वो डरावना लग रहा है। डरावना ही नहीं, वो ऐसे दिखाने लगेगा कि वो एक हंटेड चेहरा है। और गाइज, इस फैक्ट को करने के बाद 99% लोग डर जाते हैं, मगर आप इस फैक्ट को ट्राई ना करें, ये काफ़ी ज़्यादा डरावना हो सकता है। गाइज, आपने फूल तो बहुत देखे होंगे, मगर कोई 10 किलो का फूल देखा है जो आकार में 1 मीटर तक का होता है? दरअसल इस तरह के फूल मलेशिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। गाइज, ये फूल किसी भी पेड़ पर नहीं उगते, मतलब इनका कोई पेड़ होता ही नहीं है, न जड़, न तना, न पत्ती। दरअसल ये एक तरह का फंगस होता है जो पुराने कमज़ोर क्षतिग्रस्त पेड़ों की जड़ों पर उगता है और उन जड़ों को चूसकर ही खाना लेता है। ज़मीन के ऊपर सिर्फ फूल दिखता है जो देखने में मांस जैसा लगता है, और छूने पर भी ये मांस जैसा ही लगता है। उसके अलावा इस फूल से जो गंध आती है वो बेहद गंदी गंध आती है, और सड़े हुए मांस जैसी गंध आती है, जिससे कि कुछ कीट पतंगे इस फूल की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और गाइज, इसके ऊपर क्या असली तितली बैठी है, और इसकी बॉडी में क्या मशीन्स फिट हैं? उसके अलावा इसके सर के अंदर क्या दिख रहा है? तो गाइज, अभी एक नया फैशन चलन में आ रहा है, ये है 3D टैटू। 2D टैटू में हमें 2 डायमेंशंस दिखाई देती थी, लेकिन 3D टैटू में हमें 3 डायमेंशंस दिखाई जाती हैं, और इन 3D टैटूज को देखकर एक अलग सा भ्रम प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे त्वचा के ऊपर कुछ है या त्वचा के अंदर कुछ है। और गाइज, इस तरह के टैटूज की डिमांड आजकल रेसलर्स में, बॉडी बिल्डर्स में और मॉडल्स में जमकर हो रही है, और आने वाले समय में आम लोग भी इससे प्रभावित होने लगेंगे। तो गाइज, आपकी समझ में ये 3D टैटूज कैसे हैं?